जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल दोस्तों? आज का वीडियो थोड़ा अलग है, आप समझ गए होंगे। आज कोई ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, बस घूमने आया हूँ मैं उदयपुर। और अभी हूँ मैं उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस है शायद ये, और बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ है यार इधर का। आप देख सकते हैं पीछे मेरे, बहुत ज़बरदस्त, इतना प्यारा लग रहा है इधर मुझे। ये देखिए कि व्यू 360 व्यूज सी। तो अगर आप लोग उदयपुर आने का आपका अगर प्लान है, घूमना है, तो ये जगह प्लीज़ मिस मत करना। इसमें मैं आप लोगों को, चलो थोड़ा घूमते हैं क्या क्या है। आप लोग देखिए इधर कई सारे लोग आए हैं घूमने के लिए। आई होप कोई हमारा मोमिन भाई भी होगा इसमें, आई डोंट नो, बट इट्स ओके। हर किसी को हक है इंजॉय करने का। आप लोग भी फुल टू इंजॉय करो यार लाइफ, ये सब चीज़ में मत पड़ो मेरे मोमिन भाइयों। सी ये देखिए मेरे पीछे, क्या ज़बरदस्त है यार। ओए हाय, इधर ही जन्नत है मेरे दोस्तों। 72 हूरों की चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। दुनिया में कई सारी जन्नतें हैं, इसको अच्छा बनाओ, खुश रहो। इसमें और भी है, इसको ये वाला जो व्यू है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए ये पीछे का व्यू मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए क्या प्यारा व्यू है। उदयपुर में इसको लेक सिटी भी कहते हैं, और आपको जगह जगह पर लेक्स मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको ये ऊपर से कैसा व्यू दिखता है, लेक वाला व्यू भी बताता हूँ मैं। देखिए और यहाँ पे मुझे एक मज़ार भी दिख गई यार, तो बड़ा अजीब लगा मुझे। ये देखिए, ओए होए 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 होए, क्या नज़ारा है मेरे प्यारो, प्यारा प्यारा नज़ारा। इन्जॉय करिए आप लोग, और अगर इधर आना हो उदयपुर तो इस जगह पे आना आप ना भूलें। इसका पोजीशन चेंज कर लेते हैं ताकि मैं भी आपको दिख सकूं। बड़े ज़माने बाद गोप्रो यूज़ में आया है, इतने दिन से आप देख रहे थे। एक जो व्लॉग मैंने बनाया था एक दो के बाद फिर मौका ही नहीं मिला, लेकिन चूँकि मैं घूमने के लिए आया हूँ तो आज इसका पैसा वसूल हो रहा है गोप्रो का। आई होप यू लाइक द क्वालिटी ऑफ द वीडियो। 1080 में शूट कर रहा हूँ मैं, और साथ ही मैंने माइक लगाया है ताकि आपको क्लियर आवाज़ आए, पर पता नहीं इसकी आवाज़ अभी क्लियर रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा उदयपुर में और कहाँ गया था मैं, सिटी पैलेस में गया था, और लेक पिछोली या पचोली कुछ नाम था वो जगह पे, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। बोटिंग करना है मुझे, लेकिन मौका मिला नहीं मुझे बोटिंग करने का, तो देखता हूँ। और एक दिन मैं इधर, मेरा स्टे है, और भी कई सारी जगह पे जाना है घूमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो समझिए कि ये स्टार्ट है, और कोशिश करता रहूँगा व्लॉग्स बनाने की। ये कुछ फिरंगी लोग भी हैं इधर, आते रहते हैं यहाँ पे। अभी भूख लग रही थी मुझे, तो इधर एक कैफ़े है, एक ही कैफ़े है, और काफ़ी महंगा है वो। वड़ा पाँव खाया मैंने, आमची मुंबई में जो वड़ा पाँव फेमस है, तो हमें तो वहाँ पे एक वड़ा पाँव 12 रुपये का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एक कैफ़े है उसमें 150 रुपीज़ का दो वड़ा पाँव मिलता है, पानी लेना है तो 80 रुपीज़, और फिर पिज़्ज़ा खाना है तो 300 रुपीज़ से स्टार्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ऐसी सब जगह पे तो यही होता है,
आपको काफ़ी महंगी मिलती हैं चीज़ें, सो यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। आप ये कर सकते हैं कि आप घर से कुछ लेके आएं, या फिर इधर आने से पहले रास्ते में किधर जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे आप प्रॉपरली खा पी के आ सकते हैं। भी काफ़ी है लेकिन ठीक है, समा बड़ा ज़बरदस्त है, हवा चल रही है और फिरंगियों का बड़ा ज़बरदस्त पोज आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। खैर अभी थोड़ा सा हम रुक के इसका जो दूसरा साइड है वहाँ पर जाकर भी मैं कुछ शूट कर लेता हूँ। चलिए चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं, गर्दी बहुत है। ओके सो दिस इज अ प्लेस, ये वहां निकलने का रास्ता है। चालू है इधर ज्ञान, बहुत ज़बरदस्त जगह है दोस्तों, मौका मिले तो आप लोग ज़रूर आइएगा। ये आ चुका हूँ मैं बाहर और यहाँ का व्यू भी देख लेते हैं। सारे लोग देखिए, यहाँ का व्यू भी हम देखेंगे। ये देखिए इधर का व्यू है ऐसे, और ये देखिए यहाँ का व्यू काफी अमेजिंग व्यू है। दिस इज द एंट्रेंस, इधर कुछ लिखा है ये भी देख लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। देखिए ये भी काफी, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। सी रास्ते भी काफी अच्छे हैं। सी मतलब ओवरऑल मस्त जगह है एकदम घूमने के लिए। देखिए अच्छा, यहाँ आने के लिए आपको नीचे से जो है वो खुद की व्हीकल भी आप ला सकते हो, या फिर शेयरिंग की व्हीकल भी होती है। 106 रुपये की टिकट मिलेगी आपको जो आने जाने, देखिए ये रेस्टोरेंट है वो अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, ये रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट है और यही एक ही रेस्टोरेंट है एक्चुअली, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इधर दूसरा। तो मैं ये कह रहा था कि आप नीचे से ये कुछ 5-6 किलोमीटर ऊपर है, तो अगर आपकी खुद की व्हीकल नहीं है तो नीचे से आपको शेयरिंग की जीप आ जाती है, 106 रुपया लेती है और आना जाना उसमें दोनों चीज़ है। देखिए यहाँ पे गार्डन भी है छोटा सा, मतलब बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इधर, बहुत प्यारी जगह है। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, आसमान की तरफ भी देख लीजिए, हो सकता है अल्लाह जो है इधर ही आसपास किधर हो और देख रहा हो हमें। लेकिन पहले आसमान पे तो अल्लाह जो है वो
रात के वक्त आता है, तो अभी नहीं होगा, अभी सात आसमान के ऊपर ही होगा अल्लाह, अभी ढूंढ के मतलब नहीं है। लेकिन ये है, लेट मी टर्न इट, ये आ गया मैं आपके सामने फिर से। तो गोप्रो का बेस्ट पार्ट ये है कि आप उसको बस मोड़ लोगे और स्टिक लगा हुआ है आपका, तो दोनों जगह से आप कवर कर सकते हो। ऐसा जैसा मोबाइल में होता है ना, सेल्फी मोड पे आपको चेंज करना है, वैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इट्स वर्थ एक्चुअली 45,000 या 6,000 का, जो भी। क्या हो रहा है भाई? गाइस ये देखिए, यहाँ से व्यू सिरेस, तो जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, कैसे लगी आपको ये जगह। मौका मिलेगा तो मैं उदयपुर में जो दूसरी जगह है घूमने लायक, उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। कल तक हूँ मैं, और उसके बाद फिर बैक टू माय प्लेस एंड बैक टू आर रेगुलर स्ट्रीम्स। हाँ, सब जगह जाना है यार। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग, और अगर किसी को कोई मेरा टूर स्पॉन्सर करना है तो यू कैन लेट मी नो, आई विल मेक वीडियोस। ओके गाइस, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।